नमस्कार। कचरा ले वो नहीं है, कचरे वाले हम लोग। ये जो हम लोग जो कचरा फेंकते हैं वो साफ करते हैं हमारा कचरा। आणि मुंबई स्वच्छ ठेवण्यामध्ये आणि ODF करण्यामध्ये आपल्या सर्वांचा मदत होणार। या कामामध्ये सलमान जी याच्यामध्ये पुढे आले। मुंबई को स्वच्छ रखने में मुंबई महानगरपालिका 3-4 जगहों पे विशेषता काम कर रही है। जैसे मुंबई के जो सागरी किनारे हैं, जो बीचेस हैं, उसे साफ रखने का काम। मुंबई के जो सार्वजनिक जगहें हैं उसे साफ रखने का काम। कचरा जहाँ जहाँ पड़ता है उसे उठाने का काम, घर घर से कचरा उठवाने का काम। और साथ ही मुंबई में जैसे आप देखते हैं कि एक नालों का जाल है, जिस नालों में से पानी जाता है और बारिश का पानी बहता है, उसे साफ रखने का काम मुंबई महानगरपालिका कर रही है, जिससे मुंबई में फ्लडिंग भी ना हो। मैं आपसे क्या गर्व से कहना चाहूँगा कि मिलियन प्लस सिटीज़ में पहली बार एक इतना बड़ा शहर इस आह्वान को, इस चैलेंज को स्वीकार कर आगे जा रहा है। और मुंबई में जो कार्यक्रम हमने हाथ में लिया है, मुझे इसके ऊपर बहुत ही ये खातरी है कि आगे जाके इसमें हमें यश मिलेगा। इस कार्यक्रम में हम जगह जगह पर टॉयलेट्स लगा रहे हैं और लोगों से हम ये विनंती कर रहे हैं कि ओपन में ना बैठते हुए आप इन टॉयलेट्स का इस्तेमाल करें। ये काम करने में 30,000 कर्मचारी मुंबई महानगरपालिका के और 1,000 ट्रक रोज़ का, मुंबई में वैसे 1,25,000 कर्मचारी हैं मुंबई कॉरपोरेशन में, पर 1,25,000 में से 30,000 कर्मचारी सिर्फ सफाई का काम करते हैं, ये तो आज तक काम कर ही रहे थे। तो इसके साथ साथ आज हम ये चाहते हैं कि इसमें नागरिक भी सहभागी हो, और उसकी शुरुआत हम सलमान जी से कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर खासकर सलमान जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो आगे आए, खुद आगे आए। उन्होंने कहा कि भाई जिस शहर में मैं रहता हूँ, जिस शहर में मैं काम करता हूँ, उस शहर के लिए मुझे कुछ करना है। और उन्होंने एक, जिसको मैं कहता हूँ, एक बहुत ही नोबल कार्यक्रम हाथ में लिया कि जिसको कहते हैं ODF फ्री, ओपन डेफिकेशन फ्री किया जाए। इसके तहत उनकी जो NGO है बीइंग ह्यूमन, उसके तहत हमें ओपन मोबाइल टॉयलेट्स दिए गए हैं और उस टॉयलेट्स को हम जगह जगह लगवा रहे हैं और लोगों से विनंती कर रहे हैं कि ये टॉयलेट्स आप वापर करें। आज मैं प्रेस, विशेषतः TV, प्रिंट और स्टिल मीडिया की तरफ से नागरिकों के ये आह्वान करना चाहूँगा कि जैसे सलमान जी आज आगे आए हैं, वैसे सब कोई आगे आए, हर एक नागरिक आगे आए और इस काम को अपने हाथ में ले और इस शहर को, जो हमारा अपना शहर है, उसको साफ करने में मुंबई महानगर पालिका की मदद करें। मैं बैंडस्टैंड पर रहता हूँ, तो हमारे घर के सामने समुंदर है, तो बचपन से देखते थे हम लोग वहाँ पर के जो के वहाँ के जो रहने वाले हैं, यू नो, चिम्बई के, दे यूज टू गो इन द ओपन ऑन द सी। सो वो मुझे बहुत खटकता था, द वुमेन, द चिल्ड्रन, ओल्ड लेडीज, यंग लेडीज गोइंग इन द ओपन, विच आई जस्ट कुडंट हैंडल दैट। फिर जब हाईवे से आते थे तो वहाँ पे नाले के ऊपर यू कुड सी लॉट ऑफ पीपल सिटिंग डाउन देयर, इट्स अ बैड विजुअल, छाता खोल के, इट्स अ वेरी एम्बैरेसिंग विजुअल। एंड आई शुड कीप ऑन वंडरिंग कि ये कब बंद होगा। एंड ये चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा से प्ले करती आ रही थी कि इट इज़ द मोस्ट एम्बैरेसिंग थिंग फॉर अ मदर, फॉर अ वाइफ, फॉर अ सिस्टर इन लॉ, फॉर डॉटर टू गो आउट इन द ओपन, क्योंकि उनके पास टॉयलेट्स नहीं है उनके घर में। सो दिस वॉज माई थॉट। और फिर देन सर केम अप विद दिस आइडिया एंड आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। आई थिंक फॉर अ लेडी, फॉर अ वुमन, इट इज द मोस्ट एम्बैरेसिंग थिंग टू गो आउट इन द ओपन, एंड फॉर देयर हस्बैंड्स, फॉर देयर फादर्स, इज इवन मोर एम्बैरेसिंग दैट दे कैन नॉट प्रोवाइड द वुमेन ऑफ द हाउस अ टॉयलेट। मजबूरी है। अब BMC is giving a lot of mobile toilets and I want to be a part of this. I request sir that can I be a part of this, and ye nahi ke sirf naam aaye, inhe hota hai ke naam de diya aur fir ek photo session ho gaya aur nikal liye wahan se. Usually this happens a lot.
जैसे कि ये स्वच्छ भारत में भी यू नो वो बिकेम अ वेरी बिग हाइप इन द बिगिनिंग, उसके बाद सब अपने अपने यू नो रस्ते लग गए. वी स्टिल डू इट ऑन ट्विटर, यू नो विच एवर प्लेस दैट आई एम शूटिंग एट, वो हम लोग उसको साफ कर देते हैं. वी मेक श्योर दैट देर इज़ नो कचरा, देर इज़ नो प्लास्टिक, देर इज नो एनीथिंग देयर. अलवीरा टेक्स केयर ऑफ ऑल द गार्बेज एट कार्टर रोड. माई फादर डज इट एट बैंड स्टैंड. सो वी स्टिल ऑन दैट प्रोग्राम. Why? Because it's our country. We should respect that, and we should not think that this is somebody else's country. Our country is our home, and Maharashtra for me is not only my karma bhumi but it's also my matribhumi. So where I live, as much as I can see, whatever I can do, I need to do that. My bedroom is my bedroom, but as soon as I come out of my bedroom becomes my living room, and that is the whole country. So we basically we call, you know, the sweepers, you know, all jitna bhi gutter ke andar log kaam karte hain, you know, toilets wagera, we call them kachra wala. Kachra wale wo nahi hai, kachra wale hum log. Ye jo hum log jo kachra fekte hain wo saaf karte hain hamara kachra. And the amount of people are working in BMC is phenomenal, and they ek chutti nahi milti unko, din bhar kaam karte, raat bhar kaam karte, aur hum bhi unka kaam badhate. Hum kachra fekte jate hain, bahar jao Hindustan ke, bahar jao Dubai chale jao, London chale jao, America chale jao, same log chutti pe jaoge, kaam pe jaoge, wahan pe ye karoge, karke dikha do bhai, do joote padenge wahan par aisa karoge to. So we are scared to do that there. We don't do that there. We panic. But here, pheko, phekte jao. So we need to control that about ourselves. Ke jo aadmi kaam kar raha hai hamare liye subah se leke raat tak ke, chutti nahi le raha hai, उसके लिए ना न्यू ईयर है, ना क्रिसमस है, ना ईद है, ना दिवाली है, वो दिन भर रात भर काम किए जा रहा है. सर 30,000 लोग महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर काम कर रहे हैं, मुंबई के अंदर काम कर रहे हैं टू सी दैट मुंबई इज क्लीन. और हम लोग क्या करते हैं, वी लाइक टू सी मुंबई डर्टी. सो नाउ दिस खुले में जाना, इट्स नॉट कूल एट ऑल. अब लोगों की मजबूरी है, अब वो मजबूरी इतने टाइम से आ रही है कि वो माइंडसेट हो गया है. बट वो माइंडसेट को चेंज करना है. यू नीड टू यूज द टॉयलेट्स विच द बीएमसी इज गिविंग. आई एम पुटिंग इन सम मनी एंड इट्स हार्ड अर्न मनी, सो प्लीज अप्रिशिएट दैट. This is what we want for the women, महिलाओं के लिए, औरतों के लिए, कि ये उनको privacy मिले. तो ये please जब ये toilets लग जाएं, and please इन toilets का इस्तेमाल कीजिए और सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए. It is up to you when you leave that toilet, it has to be clean for this project to survive. हम तो डाल देंगे, लेकिन मेंटेन आपको करना है. थिंक ऑफ दिस एज योर ओन टॉयलेट एंड थिंक ऑफ द नेक्स्ट पर्सन यूजिंग दैट बाथरूम. एज मेनी टॉयलेट्स एज मुंबई नीड्स, आई थिंक वी शुड यू नो वी शुड प्रोवाइड दैट. सो मोबाइल टॉयलेट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ यू नो लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस. You can have normal toilets as well, but then CRZ is there, and you know, lot of other land construction. So these are not like mobile toilets, like mobile toilets. They're like full, yeah, in containers which are there, which and are like 5-star toilets. They're really good. I will use them. I'll be the first one to use them. So
सम के चार्जेस होंगे, बहुत ही नॉमिनल, बहुत ही इन मिनिमम होंगे, दैट्स ऑल्सो टू मेंटेन, और बाकी के फ्री होंगे. सो जहाँ जहाँ आई थिंक 78 स्पॉट्स डिसाइड किए गए थे जहाँ पे टॉयलेट्स की सख्त ज़रूरत है, जिसमें से अब बचे हैं 21. वहाँ पर ठीक हो गया, वहाँ पर अब कोई नहीं जाता. They've all got their own toilets, so open defecation वहाँ पर बंद हो गया है. So that's good. जी अब वो बंद हो गया है. That's you know काफ़ी time से बंद हो गया सब. I think about 15-20 years ago. Yeah, they used to happen. ये मैं अपने बचपन की मेमोरी बता रहा था. अब नहीं है वहाँ पर. वहाँ पर सब अच्छा कर रहे हैं, सब ने अपने अपने टॉयलेट बना लिए. लेकिन बाकी के मुंबई के अंदर वो अभी भी है, जो कि दिखता है, जैसे कि फिल्म सिटी के बाहर आर एम. सो आई थिंक दैट्स ऑल्सो गोइंग टू बी वन ऑफ द लोकेशन. ये कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है. उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और इनफैक्ट अगर आप मेरे से पूछें स्वच्छता में अगर सबसे बड़ी लड़ाई हमारी अगर है तो ये ओपन डिफिकेशन. इसके दोनों भाग हैं. एक कि अगर टॉयलेट नहीं है तो जैसे सलमान जी ने कहा, वो उसकी मजबूरी है, वो कोई शौक से नहीं भाग जाता. तो सबसे पहला काम है उसको टॉयलेट देना, और टॉयलेट देने के बाद जो इतने सालों की आदत पड़ी हुई है उसको तोड़ना, कहीं जो है वो उसको कन्विंस करना, उसको बताना कि भैया भाई टॉयलेट आ गया. और मैं खुद देख के आया, जो कोलाबा में हमने टॉयलेट बैठाया है वो बीइंग ह्यूमन की तरफ से हमें मिला. कोलाबा मच्छीमार कॉलोनी में जो बैठाया है, एक बहुत ही सुंदर उम्दा अच्छा टॉयलेट बैठाया गया. मुझे तो लगता है कि वो देख के ही, जब मैं वहाँ गया तो वहाँ के लोग मेरे पास आए, ऐसा भी इतना अच्छा टॉयलेट बैठा है कि अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं, हम खुद ही इसको यूज़ करें. और जैसा आप कह रहे थे स्वच्छता, उसकी सफाई, एक तो हम ये कहेंगे नागरिकों से कि भाई नागरिक जब तक उसकी स्वच्छता अपने ऊपर जवाबदारी ना ले, वो महानगर पालिका तो करेगी ही करेगी, पर जब नागरिक को लगने लगता है कि ये टॉयलेट मेरा है, मेरी कॉलोनी का है, मेरी फैमिली का है, तो वो ज़्यादा साफ है. पानी की व्यवस्था नहीं हुई तो कितने भी हम टॉयलेट बिठा लें उसमें सफाई नहीं रहेगी. तो दो चीज़ों की व्यवस्था अब हम मुंबई के टॉयलेट्स में हर जगह कर रहे हैं. एक पानी और रनिंग वाटर होना चाहिए. अगर रनिंग वाटर पाइपलाइन से ना हो तो टैंक हो जो टैंकर भर के जाए. और दूसरा सबसे ज़्यादा महत्व जो अभी आप में से ही किसी ने उठाया, लेडीज़ के लिए रात को वहाँ पर लाइट की व्यवस्था होनी बहुत ज़रूरी है. द सेफ्टी ऑफ अ लेडी व्हेन गोइंग टू अ टॉयलेट इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट. तो लाइट, बिजली और पानी, यह हर टॉयलेट में यह व्यवस्था होनी चाहिए. इसकी तरफ भी अब महानगर पालिका कदम उठा रही है. वही है ना कि वो आदत जो बरसों से पड़ी है उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है. बट इफ़ यू सी द टॉयलेट्स, आई थिंक वो आदत बहुत जल्दी टूट जाएगी. ओनली इफ दे कीप इट क्लीन. के यू कैन गो टू अ 5-star होटल, लेकिन अगर 5-star होटल के अंदर फिर आपने उसको मेंटेन नहीं किया तो फिर उसमें भी यू नो दैट स्मेल एंड नो वन वांट टू गो इनसाइड, वो हाइजीन फैक्टर. सो आई हैव सीन द टॉयलेट्स एंड दे आर लाइक एनी लाइक द बेस्ट टॉयलेट्स इन द वर्ल्ड. जी सर, ये वैसे ही आप हर चीज़ पहुंचाते रहते हो ना, कभी ये भी पहुंचा दिया करो. हाँ, ये अच्छी चीज़ है पहुंचाना पब्लिक तक के. सो है ना, ये नहीं पहुंचाओगे, नहीं पहुंचाओगे ना ये. हाँ पहुंचाओगे जी. यस हाँ, वो भी बना रहे, वो बना रहे जी. इसमें BMC और बीइंग ह्यूमन का नाम जुड़ा है, तो बहुत सोच समझ के चलेंगे और बहुत करेक्ट तरीके से चलेंगे इसके अंदर. और जितना इसको लाज कर सकते हैं, औरतों की लाज रखते हुए करेंगे. यस, राइट नाउ इट्स 5. हाँ अच्छा, राइट नाउ इट्स 5. BMC के पास बहुत पैसा है. BMC को बीइंग ह्यूमन के पैसे की ज़रूरत है नहीं. They got a lot of money, but from our side we've said 5. So you know hamare side se bhi sirf ye ke naam aa raha hai wo. Yeah, just for that. So first 5 toilets, they offered to pay for that as well,
He says that we don't need the money, we just need the awareness. But I said ke phir wo you know wo thoda sa farzigiri dikhta hai. So I didn't want that to happen. So ye pehla million plus city, sawa crore nagrik hain aaj Mumbai mein. Ek million plus city jab ye itna bada aahwan swikarti hai to ek desh ke liye bhi ek bahut bada ye karyakram. एकच मी आज आपल्याला म्हणेल, हा काय टॉयलेट विरोध फेरीवाला किंवा टॉयलेट विरोध हे हा मोहीम नाही. आपला मोहीम आहे की टॉयलेट बांधणे. विशेषतः या मोहीमचा पहिला भाग आहे की आज जे उघड्यावर शौचला बसतात, पाण्याची व्यवस्था करतो, वीजचे कनेक्शन देतो आणि लोकांना आता विनंती आणि आवाहन करणार की हे टॉयलेट्स कृपा करून वापरावं. वो रेल्वे ट्रॅक्स वो पुराने जमाने का टॉयलेट रहा. अब नहीं है. अब उसको रेलवे ट्रैक्स ही समझो. एक आपके एरिया में भी भिजवाएंगे हम. लगता है आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू.